बधाई दिया डॉक्टर निमी, मैं आ गया हूँ बेटा। ऑफिस के सारे बिजी बिजी काम को छोड़कर तुम्हें छोड़ने के लिए आ गया हूँ बेटी। सब झूठ है, 10 बार फोन किया है तब आए हैं तुम्हारे डैडी। वो क्या है लीलावती, तुम चाहे जितना बोलो मेरी लाडली बेटी नहीं मानेगी। अगर वो कोहनूर का हीरा भी मांगेगी तो मैं ला कर दूंगा। पसंद का पति भी ला कर दोगे क्या? नो, इस मैटर के बारे में तो मेरी बेटी को मुझे आज्ञा देनी ही चाहिए। इसके लिए तो मैं लड़का चुन कर लाऊंगा। सुना मेरे साथ, ये आपको कोहनूर जैसा पति ला कर देंगे। ए दाल में नमक, जो बोलना है नाम बोल कर बोल। उधर सात सुन और इधर सात गुना बढ़ाकर मत सुना, समझी क्या? ओहो, तराजू तौल कर लाऊंगी क्या? तुम लोग हंसो, भैया नहीं आए तो मैं नहीं हंसूंगी। राजा कहाँ है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसे लेकर आता हूँ। देखा जो चेहरा तेरा दिल गया मेरा 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 मेरा, शायद दीवाना दिल ये गया तेरा 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 तेरा, जाने ना तू अब तो हंसो, चेहरा तेरा चल गया कुछ तेरा, जाने कैसा जादू अब ना रहा दिल पे मेरे, कुछ मेरा ही काबू। मान ले मुझे बालम तू, बन जाए मेरी जानम तू, आगे बदल के आलम तू, दिल की है ये आरज़ू। देखा जो चेहरा तेरा दिल गया मेरा 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 मेरा, शायद दीवाना दिल ये गया तेरा 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 तेरा,
अरे चल हट ना। भैया मिमी। क्या भैया इतना लेट? दरअसल इंजन ड्राइवर को सिस्टर सेंटीमेंट ही नहीं है। क्या? अरे जब तक मैं तुम्हें आकर देखता क्या मैं उस ट्रेन को हिलने देता? अच्छा ठीक है, अगर किसी ने चेन नहीं खींचा होता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाती। अरे किसने क्या, मैं नहीं खींचा है चेन। तुमने? हाँ हाँ, तो तूने खींचा है चेन? हाँ मैंने खींचा है। कितना भरना है भाई? 500, 1000, 2000। क्यों, तेरे बाप के पास बहुत हराम की कमाई क्या? वेरी गुड, दैट इज माई सन। क्या हुआ, क्या हुआ जी? मैंने कहा था ना वो सिग्नल दिए बगैर ट्रेन हिलेगी नहीं, चेन खींच कर उसने मेरी बेटी को सेंड अप दिया। किसकी चेन खींची है भैया? चेन बोले तो गले की चेन नहीं, ट्रेन की चेन। वो टीसी कुछ गलत बोल रहा था तो उसे भी खींच कर रख दिया। दैट इज माई सन। बहुत अच्छा है जी, बेटा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय उसका साथ दे रहे हो। राजा वो है जो एक दिन मेरी किस्मत को बदल कर रख देगा। अभी जो फैक्ट्री मैं चला रहा हूँ, जानती हूँ पहले मैं उस सीमेंट फैक्ट्री का गेट कीपर हुआ करता था। ये सब उसके पैदा होने के बाद ही हुआ। कार आई, बंगला आया, करोड़ों रुपए आए। बेटा भी आ गया। हाँ डैड। हेलो माय डियर सन। गलती करके आना और पैरों पे गिरना बहुत अच्छी तरह सीख गया है तू। गलतियाँ पर गलतियाँ करता रहता हूँ मैं, लेकिन माँ के चरणों में गिरते ही सारी गलतियाँ माफ हो जाती है। किसने कहा तुझसे? डैडी जी, ये सब क्या सिखा रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता लगा होती। ये बता, अगर तू ट्रेन के टाइम पर पहुंच जाता तो चेन खींचने की जरूरत नहीं पड़ती ना? दरअसल मैं स्टेशन जाने के लिए एक घंटे पहले निकल गया था। दरअसल मेरा वो दोस्त है ना, अरे वही राजेश, उसकी माँ अपनी राजम्मा बुआ की तरह एकदम तगड़ी है। अभी उन्हें हार्ट अटैक आया, तुम्हें नहीं आएगा। और वहाँ आस पास कोई नहीं था, मैं अकेला ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया, इसलिए वहाँ पहुँचने लेट हो गया। लाडला बेटा, कितना अच्छा काम किया है। आइए जी खाना खाते हैं। खा लेना, लेकिन फेंकते समय एक बार मुझे तो देख लिया कर। क्यों, मजा नहीं आया क्या? तू जिस राजेश की माँ की बात कर रहा था वो अभी अभी मुझसे पैसे लेकर गई है। तेरी वाली से नहीं देखा है? मेरे भगवान, इस बात बच गए हम लोग, अब मैं खाना खा सकते हैं। ए शर्मा जी, ए वर्मा जी, ओ भागवत साहब, इधर आइए, एक खुशखबरी सुनिए। कैसी खुशखबरी? मेरा बेटा चित्रकार बनने हैदराबाद जा रहा है, वो बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा, पूरी दुनिया में उसका नाम हो ऐसी प्रार्थना करो। रुको जी आप। क्यों जी? नजर ना लगी। ओ भैया देखा, माँ को तुम्हारी कितनी फिक्र है। वाह क्या कहानी सुना रहे हो मामा। थू, अरे बड़े बड़े पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर सड़क पर घूम रहे हैं, चित्रकारी का इम्तिहान पास करके भटक रहे हैं, सड़क पर तस्वीरें बनाकर भीख मांगेगा। मुंह बंद कर अपना तू। अरे मेरा बेटा तेरी तरह लालची नहीं है और पियक्कर भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने मामा, जब भी देखो कामचोर की तरह। देखो भास्कर, तुम्हें इनकी तरह नहीं, तुम्हें तो दुनिया का बड़ा पेंटर बनना है। कौन है वो? हाँ याद आया, MF सर। बस कर राधा, चलो भास्कर ट्रेन का टाइम हो गया, चलो। कहाँ हो यार, तुम्हारी कलरफुल जवानी तो यहाँ है और तुम्हारी आंखें कलर सुरा दिख रही हैं। अबे तू मुंह बंद कर, मैं मॉडर्न फिगर का मजा उठा रहा हूँ, मजा। वो देख सामने। अगर उसकी जवानी के भी मजे लेने हो तो मुझसे बात करो। राधा तुमको चिल्लर लेता हूँ। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। एक बात पूछ रहा हूँ, दोगे या नहीं? नहीं दूंगी यार। राजा एक उंगली यानी 100 रुपए, 100 रुपए में लड़की ठीक है ना? दूसरी बात पूछ रहा हूँ, दोगे या नहीं? दूसरी उंगली भी उठाया, रेट बढ़ा रही है। क्या रे, इस बीच में उंगलियाँ उठाना सीख रहा है क्या? बुजुर्गो ने कहा है जब भी पैसे की जरूरत पड़े उंगलियाँ उठाया करो। अब अगर एक बार उंगली उठाई ना तो तेरी बहन चप्पल उठाएगी। समझ गया। अरे बाप रे, पूरे 500 में फिक्स हो गई लगता है। अरे चिल्लर के लिए मना करती है ये ले। ऐसे क्या देख रही है, मैं तेरे लिए कस्टमर लाया हूँ, 15 की पकौड़ियाँ दे। किसको? उन साहब लोगों को। इधर ही दिखा रहा है, लगता है मामला सेट हो गया। बड़ी मुश्किल से 2000 में सेट हुई है सर। 500 रुपए में नहीं। अब लगता है यार राधा नहीं आती, खाली आता है, 500 रुपए का कमीशन दे। ओके जल्दी निकाल के दे। जल्दी क्या है, पहले माल तो ले लीजिए। अरे ओ राधा भाई, साहब लोग वेटिंग कर रहे हैं, जल्दी आ जाना। पांच मिनट में आ जाएगी सर वो। ऑल द बेस्ट। आधा बर से आधा बाधा आधा बाधा। आजा आजा, ये लीजिए। क्या पकौड़िया? पकौड़िया बाद में, पहले तुम गाड़ी में बैठो। क्यों क्यों क्या? वो तेरा कमीशन वाला है ना, आज रात के लिए तुम्हें राजा के साथ बुक किया है। तुम्हारे जैसी भरपूर जवानी के लिए राजा ने भरपूर रेट दिया है। या
रेट कितना बोला है? 5,000 रुपए। अच्छा तो ला। अरे कहाँ गई वो, कहाँ गई? अरे तू क्या कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया? जो काम किया वो अच्छा है क्या? पैसों की चमक दिखाकर लड़कियाँ खरीदेगा क्या? अपना काम कर। ए, जवान से पलट रही हो तो क्या करोगे, क्या करोगे तुम? लड़की हो, कोई खाने पीने की चीज नहीं। राधा भाई हूँ मैं, अगर एक चुटकी बजाऊंगी तो पूरे शहर में तहलका मच जाएगा, और अगर विसल बजाई तो पूरे शहर में भूकंप आ जाएगा। ए, तू सीटी बजा, बजा सीटी, मैं देखता हूँ कौन आता है। अरे रुक जाना। ए, तू रुक, बजा, बजाओ, चुप रहना, मजाक कर रहा है, तू क्यों तमाशा कर रही है? चल ना यार, बात मत बढ़ा, लोग देख रहे हैं, चल चल। अरे चल यार, बदला ले लेंगे, जल्दी पड़ जाएंगे, चल यार प्लीज। माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ कलर सोडा बेच रही हूँ, तू तो मुझे बेचने चला है बदमाश। ए कमीने बदमाश, तुझे इतनी बार समझाया, शर्म नहीं आती क्या? तुम भी कैसी बात कर रहे हो मामा, हिंदी फिल्मों में नहीं देखा क्या, एक गरीब घर की लड़की एक अमीर घर के लड़के से प्यार करती है, ऐसा होता है ना? और क्लाइमेट में शादी, और ऐसे ही एक दिन मैं अपनी बहन की शादी एक बड़े घर में करूंगा, माँ कसम। देखा मामा मुंह खोल रहा है तो सिर्फ झूठ निकल रहा है, शराबी कहता है मेरी शादी करवाएगा, मैं नहीं करवाने वाली शादी वादी, मैं जा रही हूँ। देखो तुमने रोक लिया तो कैसे जाऊंगी मैं, तुम रो रहे हो तो मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। जाते हो, जब से मेरी भाभी मरी है तब से मैं ही इन बच्चों को संभाल रही हूँ, तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, अब कहीं जा सकती हूँ मैं भला? चलो चलो घर चले। इस जैसी सेंटिमेंटल बुआ जिस किसी को भी मिल जाए वो कोई भी ड्रामा कर सकता है। छी, एक जवान लड़की सोडा और पकोड़ा बेचकर घर चला रही है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? राधा इसको 2 दिन तक खाना नहीं देना। खाना किसको चाहिए, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन तक सिर्फ टॉनिक ही पीना है। मैंने ही कॉलेज ज्वाइन किया तुम्हारे लिए। हमारे पिताजी को पता चला तो? पता चला तो क्या? मेरे पिताजी उनकी फैक्ट्री में मामूली वर्कर हैं। ओहो, पकौड़ियाँ ले लो पकौड़ियाँ। अरे तेरी आंखें तेरे चेहरे पर है या तेरे सर पर? कहाँ पर है, तू ही देख ले। अच्छा, मैंने जो पकौड़ियाँ दी थी वो मस्त नहीं थी क्या? तेरी तो मेरा हाथ छोड़ वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला, मैं सचमुच चिल्लाऊंगी, मैं काट डालूंगी तेरा हाथ। काट ले। मुझे सिर्फ गाड़ी में घूमना नहीं आता बल्कि मिर्ची खाना भी आता है, अब अगर मैं तुम्हें चुन लूंगा तो कोई आगे नहीं आएगा मुझे रोकने के लिए। कोई नहीं आएगा, सब लोग देख रहे हैं, देखने दो। मेरा स्टाइल दुर्योधन जैसा है, मैं जो भी करता हूँ उसका पश्चाताप नहीं करता, मेरे पैर पकड़कर माफी मांगो छोड़ दूंगा, समझ में आया क्या? अगर नहीं मांगूंगी तो? बताओ क्या? कहकर भाग रहा है, बताने के लिए कलेजा चाहिए कलेजा। पता नहीं गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था या नहीं। आपको जब पता चला कि पिताजी मरने वाले हैं तो इंश्योरेंस कराया, लेकिन उस बेचारी को क्या पता? चुप कर, चुप चुप। भाभी क्या पता उस लड़की ने पुलिस केस कर दिया हो? पुलिस केस? किस बात की पुलिस केस, सिर्फ गाड़ी को तो ठोका है, राजा बाबू चक्रमणि का ही तो बेटा है, तो क्या? सही बोलते हो तुम, तो गाड़ी को टक्कर मारी आदमी को ले, दैट इज माय सन। ये क्या है जी, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बेटा खेल पढ़ाई में नाम रोशन करे, परिवार की इज्जत बढ़ाए, हमारा बेटा गुंडागर्दी कर रहा है और आप खुश हो रहे हैं? आप ये सूट पहन लीजिए, आप बिल्कुल महाराजा की तरह दिखिए। मम्मी मम्मी इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये अम्मा जी मुझे और कंफ्यूज कर रही है, मम्मी तुम्हें बताओ ना कि मुझे कौन सा सूट पहनना है।
किस वक्त कौन सा सूट पहनना है, कौन सा बूट पहनना है, ये तेरी प्रॉब्लम है। लेकिन फैक्ट्री और वर्कर से क्या प्रॉब्लम है, ये कभी सोचा? क्या मम्मी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कुछ और ही बता रहे हो। राजा, उस लड़की गाड़ी का जो तुमने हाल किया ना, मैंने सबको बता दिया है। देखो राजा, गुस्सा आए तो किसी के गाल पर मार दो, पर किसी के पेट पर नहीं मारना चाहिए। अभी जाकर उस लड़की को नई गाड़ी खरीदने के पैसे दे आओ। हाँ राजा, ये तुम्हारे भैया कहाँ है, दिखाई नहीं देते? वो कहाँ होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये पता मैं उसे लेकर आती हूँ। दिमचक्का दिमचक्का दिमचक्का, ये राधा भाई तुम मर गए। ये क्या करने आए? अबे ये नाचना गाना बंद कर, पहले देखो लड़की कहाँ है। रेखा, जया, रंभा, मेनका, अरे माधुरी दर्शन, तुम्हें से ऐसी हालत होती है क्या? लफंगो, अब मजा चखती है। समझ है ना, आप बड़े लोग हैं, मैं आपकी पैर पड़ती हूँ। रंदो रंदो, देखो यहाँ मैं किसी और काम के लिए आया। बाबूजी, अब आप दूसरा छोड़िए और पहले आप हमारी लस्सी पीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। अरे ठीक है पहले मेरी आप पीजिए, बस पहले पीजिए। अरे पीलो पीलो पीलो, प्यार से पिला रही है, पूरा कटक जा। पीजिए ना। अरे बाबू, ये क्या था, लस्सी इतनी खट्टी होती है क्या? ऐसी होती है बाबू, इस पर रोटी थी। हंग है या ये कोई देसी दारू, जो मुझे प्यार से पिला गए तू। अरे जबरदस्त है, महामस्त है, मजा खूब सुनो। अरे तेरी बातों सा, तेरी आंखों सा नशा खूब सुनो। हंग है या ये कोई देसी दारू, जो मुझे प्यार से पिला गए तू। रीत तोड़ दो, रस्म तोड़ दो, आज तोड़ दो सारे नियम। तेरे नशे में, तेरे मजे में जान पिता दो मिलेनियम। बात में मेरे साथ से पीछे क्यों हट गई तू, प्यार प्यार की छेड़छाड़ में मुझको आया सकू।
पिला गए तू भंग है या ये कोई देसी दार। कभी ना जगइयो मेरी बात इतनी दिल पे न गई। दिल की ताड़ पे जनग झाड़ पे सजना में चढ़ गई रे। प्यार प्यार की छेड़छाड़ में मुझको आया सकूं आदत से शरारत से बांधना अपनी ओयो। बंद है या ये कोई देसी दारू जो मुझे प्यार से पिला गए तो। अरे जबरदस्त है महामस्त है मजा खूब इसमें। अरे तेरी बात सा तेरी आंख सा नशा खूब इसमें। अरे क्या कर रहा है होश में आ उनको देख लेगा क्या कहेगा क्या हो रहा है बुआ जी मैं तो मान मत जाते मेरे हाथ लग गए बुआ जी नमस्कार कर रहे हैं मेरे हाथ चिपक गए हैं मेरे हाथ चिपक गए अरे बाप रे बाप पता नहीं मेरे बेटे पे किसी ने जादू टोना कर लिया है पता नहीं क्या है मेरे बेटे को कोई ज्यादा अरे ज्यादा मतलब कुछ नहीं इसने भांग पी है भांग हां भांग मेरे हाथ चिपक गए हैं मेरे हाथ अलग करो छोड़ अरे अलग हो गए अरे 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 क्या कर रहे हैं बुआ जी अरे छोड़ ना मेरा हाथ पकड़ अरे तिरल अरे अलग हो गए आजा आजा गले मिलो अरे इसको इसे ले जाके ऊपर कमरे में सुला दो ले जाता इसको ले कहीं से मेरे हाथ अलग हो गए मेरे हाथ अलग हो गए ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और आप कुछ नहीं बोलते दैट इज माई सन विनायकम मेरे डैडी कैसे हैं? क्या बताऊं पूरा शरीर रोगों से भरा है उनका इलाज होगा भी या नहीं डैडी डैडी हाँ अरे बाबू इधर से ही आवाज आई है इन्हीं दरिंदों में से कोई एक होगा मैं जाकर देखता हूँ साहब जी ओ साहब जी इतना खूबसूरत चेहरा नहीं नहीं साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी मिल गए यही है तुम्हारे पिताजी हाँ जी मेरे पिता इतने साल हो गए और अभी तुम्हें इन पर शक हो रहा है बेटा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा बनकर अपना अकाल की औलाद पहले पाइप लेकर मेरा मुंह धुला मिट्टी में मानिक की तरह और दलदल में कीड़े की तरह और कीचड़ में कोयले की तरह खूबसूरत लग रहे हो साहब बहुत हो गया ठंडी लग रही है क्या है बेटे आगे नहीं पढ़ूंगा यहीं आपके साथ रहकर बिजनेस संभालूंगा डैडी वेरी गुड मैं कब आई तुम्हें पता नहीं चला इतने मग्न होकर पेंटिंग कर रहे हो 24 आवर्स वाला यही पागलपन है मेरा हाथ कब पकड़ोगे एनीवेज थैंक यू ये थैंक यू किस लिए अब मुझे कोई बिंदी की जरूरत नहीं तुमने परमानेंट बिंदिया जी लगा दी है भैया जी मधुसूदन आया है क्या नहीं उसका बेटा आया वो क्यों आया यहाँ आई कांट हेल्प इट टू हाय अंकल सनी इस पर क्यों बैठे हो ये मालिक की कुर्सी सही कहा तुमने
पिताजी और अंकल पार्टनर हैं तो यहाँ एक कुर्सी क्यों, दो कुर्सियां क्यों नहीं? चुप करो, उठो वहां से। इतना गुस्सा क्यों अंकल? ये जिंदगी में कुछ भी सच नहीं, खुद जिंदगी सच नहीं, ये कुर्सी का क्या है? आई से शट अप। इस साल फैक्ट्री में लॉस हुआ है, आपने आईटी रिपोर्ट में ऐसा बताया ना। वैसे भी अगर आपको फालिज मार जाए तो ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी ना। वैसे भी आपकी शुरुआत कहां से हुई? वॉचमैन की हैसियत से, जो आते जाते को सलाम करे। मारो, मारो इस पिता को। ए, सुना तूने तेरा बेटा क्या कह रहा है? हाथ में हथियार नहीं है दोस्त, नहीं तो इसको अभी खून डालता। ए, इनकी हैसियत क्या है तू जानता है? हमारी औकात नहीं है इनके साथ बैठने की, समझे? मगर ये अपने साथ बिठा कर हमें खिलाने वाले, ये महान इंसान है और तू इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा? छी, तुझे अपना बेटा बोलते हुए भी शर्म आती मुझे। सॉरी दोस्त, आपका मूड खराब हो गया, सिख फैक्ट्री के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरा मुंह क्या देख रहा, चला। ये ले चाबियां दो। दूंगा, तू एकदम फायरिंग मूड में है और इस जल्दबाजी में तू एक्सीडेंट कर बैठा तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। मैं एक्सीडेंट कर दूं? बिल्कुल नहीं हूं मैं। बिल्कुल सही कहा तूने, एक्सीडेंट तो होगा बेटा, लेकिन लॉरी का नहीं, चक्रबड़े की गाड़ी का, और फैक्ट्री हमारी। वो कैसे? एक ना एक दिन तो उसे मरना ही है, मेरा प्लान उतना पक्का है। पहले दिन से मेरी नजर उसकी फैक्ट्री, उसकी जायदाद और उसकी दौलत पर है। अब तो उसे मरना ही है। इधर वो मरा, उधर फैक्ट्री तुम्हारी। जिस कुर्सी पर तू बैठा था वो हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी, समझ गया ना? अब चल। करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर यह डिसीजन लिया है और सारे मैनेजमेंट का भी यही फैसला है। बोली 1,20,00,000 से शुरू होगी, आप लोग बोली लगाएं। सरकार की पहली बोली है 1,20,00,000। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2,
आगे बोलिए 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 आगे बोलिए गोली लगाइए कोई फायदा नहीं गोली बढ़ा कर 3 crore 1 गोली रोको आइए आइए वो आप आए नहीं थे ना इसीलिए मैं अपनी तरफ से गोली लगा रहा था मेरे तरफ से क्या जरूरत थी कंपनी के नाम से गोली लगाते आपका नाम लेने के लिए कलेजा चाहिए जो इसके पास नहीं है ये हर वक्त आपकी चापलूसी करके आपके बिजनेस में पार्टनर बन गया आज अपने स्वार्थ के लिए इसने आपको जान से मारने की कोशिश की इसने आपकी गाड़ी को उड़ाने का बंदोबस्त कर रखा था लेकिन इत्तेफाक से गाड़ी लेकर आज मैं गया वो तो अच्छा हुआ कि आप बच गए कि असलियत का पता चल गया आइए इंस्पेक्टर साहब लेकर जाइए इसको तूने मेरा पैसा लिया होता तो मुझे दुख नहीं होता उसे मेरी जायदाद ले लिया होता तो मुझे दुख नहीं होता लेकिन तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है दाने दाने को मोहताज थे मैंने जानता था तुम इतने बेमान निकलोगे मैंने अपनी पुरानी दोस्ती को याद करके तुम्हें अपनी कंपनी में पार्टनर बनाया तुम एक दिन भी फैक्ट्री में नहीं आए लेकिन मैं अपने हर फायदे में से तुम्हें बराबर का हिस्सा भेजता रहा और तूने मुझे ही मारने की कोशिश की आज से अभी से तुम्हारा इस फैक्ट्री से कोई संबंध नहीं है नहीं सर इसे ऐसे छोड़ देना ठीक नहीं है इंसान से शब्दों में बात करनी चाहिए पर ऐसे दगाबाज को चप्पल से मारना चाहिए मैं कौन हूँ बताओ ए क्या कर रहे हो आंखें बंद करोगी तो देखूंगी कैसे काम कर रही हूँ दिखाई नहीं देता कैसे देखेंगे हाँ आंखें जो बनती नहीं पेट से देखेगी अरे पगली पेट से नहीं आंखों से देखेगी वो कैसे अरे मेरी चंपा कली तू कार का टायर है तो तुझसे चिपक कर रहने वाला ट्यूब ही नहीं ये ट्यूब एक दिन पंचर होगा क्या है ये तू बार बार बोल कर परेशान कर रही है तू बोलता रहे मेरा भाई कहीं और शादी करा देगा अरे ऐसे कैसे करवा देगा नमक में दाल इतनी बड़ी बड़ी मूछें लगाने वाला बेवकूफ कहीं का वो बेवकूफ नहीं है वो नहीं है तू तो है चालाक है मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है ना वो सारी की सारी अकेले हड़पना चाहता है प्रॉपर्टी हड़पने की सोच रहा है क्या वो हाँ तो भी तेरा ब्रदर मुझे कितना दहेज देने की सोच रहा है वो बंद कर तू दहेज लेगा दहेज मेरा भैया शादी करने वाले से उल्टा दहेज लेगा क्या है ये तुमसे शादी करने के लिए मुझे उल्टा दहेज देना पड़ेगा क्या तेरे भैया को एंगेज करवा कर वो 10 paise की दहेज दिए बगैर तुमसे शादी करूंगा नहीं किया तो मेरा नाम मोहन नहीं समझी क्या बातों से नहीं करके दिखा हा? ये देखो कहा गया साहब जी अरे आप यहाँ है साहब जी अगर ऊपर से भी ढक दिया जाए एकदम शमशान लगेगा क्यों मुंह में आए बकमार ये खून की गर्मी कम करने के लिए है गर्मी के लिए है हम जैसे गरीब लोग इतना सा खाने के लिए इतना कष्ट करते हैं तुम्हें पता है और आप जैसे बड़े लोग ठंडा करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं ये कौन सा तरीका है राक्षसों की तरह खा रहा है मेरे सामने मत खा भूख के मारे बुरा हाल है मेरा तुम्हें सब्र करने के लिए कहानी बोलूं क्या चला कहानी सुना दे कुछ तो मेरा ध्यान बटे हाँ तो कब की पुराने एक गांव में बहुत पैसे वाला एक आदमी था वो कितना भी कमाए पर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी मेरी कहानी मुझे सुना रहा है क्या बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो जी ब्रेक मत डालो आप उसका नाम था अलेक्जेंडर देश विदेश जीतने के बाद आखिरी में मरते वक्त भी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बोल रहा था क्या कह रहा था उसने ये कहा मेरे मरने के बाद मेरे हाथ ऊपर रखकर दफनाओ यही इच्छा है मेरी किसके लिए पूरी दुनिया का विजेता अलेक्जेंडर जाते समय खाली हाथ गया दुनिया को ये सबक देना चाहता था वो ठीक है लेकिन ये कहानी मुझे क्यों सुना रहा है जितना है उसमें तृप्त नहीं होकर और की चाह करने वाले की बुद्धि बदलने के लिए तुम भी इस कहानी से सबक लो नहीं तो एक दिन तुम्हारा भी बंटा थार हो जाएगा अब कोई फायदा नहीं हाँ मैंने सोच लिया है अगर तूने मेरा हाथ बाहर निकाल लिया तो मैं अपने जायदाद में से आज तुझे दे दूंगा थैंक जी तुम्हारे शरीर में बहुत से रोग है तो क्या हुआ तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है आइए उठिए आहिस्ता तेरी ऐसी की तैसी इतनी स्टोरी तो मुझे भी पता है मैंने अपनी जायदाद में से आदित देने की बात कही तो कुत्ते की तरह थैंक्स तू क्या समझता है चप्पल की मार खाकर मैं चुप बैठा रहूंगा तू देखता जा इस खड्डे में रहकर उसके लिए खड्डा खोदूंगा संभाल के अरे संभाल के उठाओ चलो चलो जल्दी अस्पताल लेके चलते हैं
बेटा मेरी तस्वीर बनाऊ बनाऊंगा पिताजी, लेकिन मेरा पर रंगन एडी जी, फैक्ट्री रूल के हिसाब से नौकरी आपके बेटे को दी जाएगी। पर इसकी पढ़ाई? परवाह नहीं माँ, एक पिता अपने बेटे को सिर्फ पढ़ाई तक पढ़ाता है, लेकिन मेरे पिताजी ने तो मुझे नौकरी भी दिलाई है। ए, तो कॉफी निकाल रहे? हाँ बोलो साहब, क्या दूं? एक डोसा लेकर। डोसा नहीं है भैया। तो फिर क्या है? तुम यहाँ आओगे, सपना देखा था क्या? आटा खत्म, चपाती लाओ क्या? ठीक है लेकर। सिंगल चपाती। घर के ऊपर टीम नहीं है तो क्या है? नेम प्लेट का बोर्ड लगा है। क्या चाहिए? प्याज ही पैर निकाले बिना बोल नहीं सकता हूँ क्या? तुझे क्या खाना है ये बता। यहाँ खाने के लिए क्या है वो बता। इडली उपमा चपाती। इडली कितने की है? ₹3। चटनी? फ्री है। फ्री है? उपमा? ₹5। चटनी कितने की है? फ्री है। फ्री है? तो प्लेट चटनी लेकर आ। चटनी? हाँ। खाली चटनी का क्या करेगा? घर से लेकर पैरों तक लगा लूंगा, तू लेकर तो आ। क्या आदमी है, चटनी सुनाएगा। तुझे दिखाता हूँ छोटी सी झलक, पहले लेकर तो आ। क्या है ये सब? इस होटल में चिदंबर की चपाती खाने से अच्छा है कि टूटे हुए हवाई चप्पल खींच खींच कर खा लो। थैंक यू। क्या कर लोगे इसको खाए तो आओ। चिदम्बरम, चिदम्बरम। क्या रे, बल की तरफ क्यों भड़क रहा है? क्या रे, डोसा के लिए आटा नहीं है? हाँ तो डोसा कैसे खा रहा है? कैसे डोसे? मिल नहीं मिलेगा। अरे अरे रुक रुक रुक। अरे ए, ये डोसे तूने कहाँ से लाए? कहाँ से आया क्या, घर से लाया था। घर से लेकर आया था तू? अरे चटनी के पैसे दे। चटनी के लिए? तू तो बड़ा फ्री है। यानी वैसा फ्री नहीं, टिफिन के साथ फ्री है। लेकिन तुम मुझे टिफिन नहीं दिया ना। हाँ मगर तुमने टिफिन मांगा ही नहीं। लेकिन चटनी फ्री बोला ना। हाँ तो चटनी फ्री है ना। अरे चटनी फ्री बोला ना। अरे चटनी फ्री बोला ना। टिफिन के साथ फ्री है बोला। चटनी फ्री बोला ना। चटनी के पैसे दे। अरे चटनी के पैसे दे। क्या भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो? अप्पा जी, अप्पा जी, तू उसे जानती है क्या? जहाँ काम करती हूँ ये साहब उनके यहाँ ड्राइवर का काम करते हैं। हम प्यार करते हैं, सुहागरात भी हो गई। हाँ सुहागरात नहीं हुई है, तेरी दाल में नमक, शादी शादी के बाद। मेरी बहन से शादी करने वाला कोई ड्राइवर वाइवर नहीं होगा, उल्टा दहेज देने वाला चाहिए। ज्यादा उल्टा सीधा बोला तो बहुत मारूंगा, चल जाए यहाँ से। जा, जाता हूँ साले जी। जाता है कि नहीं? अप्पू नहीं, पप्पू नहीं, तू अंदर जा, जाकर आटा गून। जा, ड्राइवर से शादी करेगी। तुम इधर? चलो नाम तो याद है तुम्हें, मुझे लगा कॉलेज छोड़ते ही भूल जाओगे। भूल जाना बेहतर है। देखो ऐसी बातें करोगे तो मुझे गुस्सा आता है। तुम अमीर हो, हम गरीब हैं, हम दोनों में प्यार नहीं हो सकता, हमारी शादी नहीं होगी, कब ये बातें छोड़ोगे? भैया अरे मम्मी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया ये मेरा फ्रेंड भास्कर। नमस्ते। अच्छा आर्टिस्ट है, पेंटिंग बहुत अच्छी करता है। बेचारा, ऐसा है क्या? शायद टाइम अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए ब्रश के बजाय पाना पकड़ना पड़ रहा है। भैया इसके पिताजी का हमारी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, इसकी पढ़ाई छूट गई और ये फैक्ट्री में वर्कर है। इतना बड़ा भविष्य का आर्टिस्ट और फैक्ट्री में वर्कर, ऐसा है क्या? प्रतिभा होने के बावजूद भी मौका न मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी पेंटिंग का एग्जीबिशन रखूंगा और सारी दुनिया को दिखाऊंगा तुम्हारी प्रतिभा को। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा ना भैया। देखो जापान से मशीन आई हुई, उसकी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने जा रहा हूँ, आते ही तुम्हारी एग्जीबिशन का बंदोबस्त करूंगा। ओके ऑल द थैंक यू सर। सनी, सनी छोटे साहब आ गया। क्या 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 डेडी, ये जेल का माहौल मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो तुम्हें कीचड़ के हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं। देखो सनी, हम कितना भी बड़ा लॉयर करें लेकिन ये केस हम नहीं जीत सकते, इसलिए अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो घर में शांति से रहे और छोटे साहब जेल में तो लोग कायर कहेंगे। सनी ये तो बेवकूफ कथा है, इसकी बात छोड़। देख तुझे इस हालत में पहुंचाने वाले
उस चक्रमणि को छोड़ूंगा नहीं। जैसे मुझसे मेरा बेटा दूर हुआ, उससे भी उसका बेटा दूर कर दूंगा। जैसे मैं फैक्ट्री से दूर हुआ, उसे भी दूर कर दूंगा। इस मधुसूदन से उसने क्यों पंगा लिया, ये सोचकर वो जिंदगी भर रोएगा। इस शिकार के लिए तो जाल बिछा चुका हूं। फ्रेंड्स, यस, प्लीज बैठिए, मैं आती हूँ। आपके लिए एक पजल। हाँ। ये कोल्ड ड्रिंक पीते पीते आप सोचिए कि मैं कौन हूँ। करेक्ट आंसर देने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी गिफ्ट दूंगी।
मेरा ही हाल है, मैं कहूँ तो क्या। जो देखा जाएगा तुम ऐसे ना तो कुछ कहो। दिल की अगन बन गई है लगन, ओ मेरी सजन मैं क्या करूं। एक सा हाल है, मैं कहूँ तो क्या। पल है अब दिन मेरा, हर दिन मुझको परस लगे। तेरी ऐसी बात से ही दिल में कहीं कहीं अरमान जगे। नाम की तेरे और सनम मेरे सामने ही तेरे आने भर। आके तेरे पास मुझको ये क्या है। कौन सी दुनिया में हो तुम? इंद्र की दुनिया में या फिर चंद्र की दुनिया में? प्यार की दुनिया में। प्यार? हाँ, लव एट फर्स्ट साइट पर विश्वास है तुम्हें। आई लव यू। मैं सच कह रही हूँ। स्पीड के जमाने में सब कुछ के साथ साथ प्यार भी स्पीडली हो रहा है। धूप कब खिलेगी, बारिश कब होगी बता सकते हैं, प्यार कब होगा ये नहीं बता सकते हैं ना? नहीं सर। यस आरुण मिस्टर राजा। हाँ कॉल फॉर यू सर। हेलो क्या क्या हुआ? आ गया बेटा, सगरती बहन को देख ले। क्या हुआ रोज? मेरे बला को क्या हुआ? बोले पिताजी, निर्मला को क्या हुआ? अरे तू तो बोल, बोल ना, बोल क्या हुआ निर्मला को?
अरे मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताता क्यों नहीं? चक्रमणि क्या बात है? क्या हुआ, तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? मजदूरों के साथ ऐसा सुलूक करते हैं क्या? जानवरों से भी बदतर? किसने किया? तुम्हारे पिता ने। उसकी कस्टम ड्यूटी क्लियर करवाने जा रहा हूँ, आते ही तुम्हारी एग्जीबिशन का बंदोबस्त करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हारे पिता ने इस लड़के को मरवाया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हें मुझ जैसे शराबी पे विश्वास ना हो, तो फिर इसकी बहन से पूछो, इसकी माँ से पूछो, इसके पिता से पूछो। 30 साल मैंने तुम्हारी फैक्ट्री में नौकरी की और एक पैर भी गवाया हादसे में, जिसके बदले हमें ये इनाम मिला। नहीं, मैं भी विश्वास नहीं कर सकता। तुम विश्वास करो ना करो, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरे बेटे से प्यार किया था, शादी का वादा किया था, भविष्य के सपने दिखाकर, हर हाल में साथ मिलवाने का यकीन दिलाकर अपने साथ घर ले गई थी। मत मारो भास्कर को, शादी की बात करने नहीं यहाँ लाई थी। ओ बंद करो अपना, हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले कुली को तुम मेरा दामाद बनाना चाहती हो? ये कभी नहीं हो सकता। मैं इसके बिना जी नहीं सकती, प्लीज ले जाओ इसे, ले जाकर कमरे में बंद कर दो। माफी मांगो कि आइंदा मेरी बेटी को आंख उठाकर नहीं देखेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इस देर पहले तक मैं डरता था, पर अब नहीं डरूंगा, मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी, बस अपनी बेटी दे दो, जी लगी वो मेरे साथ। फैसला बदल लो, जान जाने के बाद ही बदले। ले लो और इसे तब तक मारो जब तक ये अपना फैसला ना बदल ले। ले जा। एक बार छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अगर निमला को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं हो सकूंगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ दीजिए इसे। तो मारोगे या धमकाओगे मुझे पता नहीं, कल सुबह ये गांव में नहीं होना चाहिए। गरीबों से अमीरों को कभी प्यार नहीं होता, जानवरों की तरह मारा है मेरे बेटे को। सुनते हो जी, अगर हम यहीं पर रहेंगे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे माँ। तू चुप रह। सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दौड़ता हुआ खून तुम्हारे बाप का ही है। अब क्या हम भीख मांग कर चाहिए? तुम्हारे पिता ने तो हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। अधिकारियों के लिस्ट में हमारा नाम भी लिख दो, भीख मांगने का शुरुआत तुम्हीं से करते हैं, 1 रुपया दो, चलो निकालो डालो।
विश्वास हुआ? अब बोलो क्या करोगे? पिता का सामना करोगे? फांसी दिलाओगे? बोलो जवाब दो। अब क्या हम भीख मांग कर जिए? तुम्हारे पिता ने तो हमसे दो वक्त की रोटी भी छीन ली। कहाँ के लिए? समय बीता जा रहा है, आप खड़े हो जाइए। जिस धरती पर पैदा हुआ उसको साक्षी मानकर मुझे रोशनी देने वाले सूरज की सौगंध, हिंदू संप्रदाय की सौगंध, तुम्हें अग्नि देने वाला पुत्र बनूंगा मैं। आज अभी इसी पल से मुझे जन्म देने वाले माता पिता को भूल कर तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हारा दत्तक पुत्र बनूंगा और तुम्हारे सकल धर्म को पूरा करूंगा। मैं साफ मन से और सीधी सादी जिंदगी से हराम की जिंदगी त्याग करके तुम्हारे बेटे की तरह जीऊंगा और उसके सारे धर्म कर्म पूरे करूंगा। आज मैं ये प्रण लेता हूँ। ये सब क्या नाटक है? नाटक नहीं है, ये पुण्य कार्य है, दत्तक पुत्र का। दत्तक पुत्र? हाँ, हिंदू धर्म के हिसाब से आज से मैं इनका बेटा बन चुका हूँ। मेरा सरनेम बदल चुका है। जल्दबाजी में तुमने क्या किया और इसका क्या फल तुम्हें मिलेगा जानते हो? मुझे नहीं बल्कि आपको। दो प्रेमियों को अलग करने का परिणाम आप जानते हैं? इनको औलाद से बेऔलाद करने का पाप आपका है। एक गरीब आदमी आपके घर का दामाद नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसको मरवा दिया। उसी घर में आज आपका बेटा दत्तक पुत्र बन चुका है। आपने जो पाप किया है उसकी सजा दी है मैंने आपको। ये भारत के इतिहास में लिखा नहीं होगा, भारत के किसी कानून में भी नहीं लिखा होगा, भारत के किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। मैं इस पुण्य भूमि और भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज से तुम्हारा वंश नहीं बल्कि इस घर का वंश बनकर जीऊंगा। दिल हो गया ठंडा, आस पास ठंडी हो गई। होगी क्यों नहीं, बाप बेटे दोनों अलग हो गए ना, तुम्हें तो खुशी होगी। कैसे काल में पैदा हुए? क्या पकड़ा तू? एकदम अच्छी काल में पैदा हुआ हूँ मैं, समझा? चल अच्छी कहानी सुना। अच्छा, कभी कभी गांव में दुकान प्यारे दोस्त रहते थे और दोनों मिलकर हीरो का व्यापार किया करते थे। एक दिन वो दोनों शहर के लिए रवाना हुए। फिर मेरी कहानी मुझे सुना रहा है? सेंटर में चेंज होगी ना कहानी। ऐसे ही जंगलों में जाते 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 अचानक उनसे एक का पैर फिसलने से कीचड़ में गिर गया। बेचारे का पैर टूट गया और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। तब वो दूसरा आदमी जिसका पैर टूटा था उसका भी सारा हीरा लेकर भाग गया। उसके बाद उस भागने वाले आदमी को डाकू ने पकड़ लिया, उसके पास जो हीरे थे उसे छीन कर उसका गला दबाकर मार दिया और भाग गया। यानी पैर तोड़वाकर गिरने वाला चक्रमणि और गला दबाकर मरने वाला मैं, यही है ना वो जो पात्र? सही पहचाना आपने, लेकिन एक बात बोलूं, आप बहुत होशियार है जी, सब पकड़ लेते हैं। कहानी बड़ी जल्दी बना लेता है,
क्या भाभी, यहाँ भैया, यहाँ आप, न खाना न पीना, न नींद न चैन। आप कहें तो मैं खुद जाकर उनके पैरों पर गिरकर राजा को वापस ले आऊं। कहते हैं लोग जायदाद हड़प लिया करते हैं, इन्होंने बेटा हड़प लिया। बोलो भाभी। पीछे तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसने मेरी निम्मी को धक्का दिया? हाँ, इतना बताना सर क्यों कर रही है? किसी हंडे से सर फोड़ डालूंगी, समझी क्या तुम? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, पानी भरने आई हो क्या? ये मारेगी, चुपचाप पानी भरो वरना इसके हंडे से फोड़ डालूंगी सर। हटा, ये क्या लड़की है? तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? ये कार मुझे दो बहन, और तुम घर जाओ, जाओ घर जाओ। दो पैसे। गुरु, गुरु, एक मिनट गुरु। क्या बात है, जैसे बच्चा अपने जीवन की शुरुआत माँ के दूध से करता है, तुमने भी इस घर में अपने जीवन की शुरुआत दूध से ही कर दी है। वाह, क्या बात है, मेरे भाई ने तो सिर्फ 1 रुपया दान करने के लिए कहा था, तुमने तो अपनी जिंदगी दान कर दी। सच्ची कुर्बान जाऊं तुम। राधा भाई, वही पर फुल स्टॉप रख। अगर आगे जाकर पैर फिसल गया तो जैसे अभी तू मिर्ची की पकौड़ियाँ बेच रही है, वैसे ये पकौड़ियाँ खाकर मिर्ची को फेंक डालेगा। हाँ गुरु। ये यहाँ पर क्यों आया है जानते हो? भाई क्या गुरु, कोई भी अकल वाला सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। इसके बाप ने मर्डर करवाया ना। क्यों गुरु? ये अमीर लोग बहुत चलाक होते हैं, कहीं इन पर केस ना बन जाए इसलिए नाटक खेल रहे हैं। ए, तू बहुत बोल चुका, अब मैं बंद कर। बंद करूँगा? तुरंगा राव के परिवार का पोषण करने आया ना, थोड़ी मालिश कर दे, पैसे दे दूंगा, उनको चटनी रोटी खिला कर जिंदा रख लेना। एक बार यहाँ पुराने घाव भरने आया हूँ, नए घाव बनाने नहीं आया, समझा? याद रखना। करो, किस अधिकार से तुमने मुझे नोटिस दिया? एग्रीमेंट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मेरी है, किसने तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन होने का परमिशन दिया है? अगर तुम्हारी फैक्ट्री में किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके खानदान में से किसी को नौकरी देना, ये तुम्हारी फैक्ट्री का रूल है। मुझे जो पसंद नहीं उसे डिसमिस करने का हक है मुझे, मैंने तुम्हें निकाल दिया है, तुम जाओ। किसी को निकालना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। मेरा बेटा मेरी फैक्ट्री में मामूली कर्मचारी का काम करने मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मेरा सरनेम बदल चुका है। लेकिन तुम्हारे शरीर का खून नहीं बदला और ना बदल सकता। मेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बदल चुका हूँ, मेरे उसूल बदल चुके हैं। उसूल की बात करता है, ये दुनिया गरीबों की नहीं बेटा, हैसियत वालों की। हैसियत वालों की? एक बार पीछे मुड़कर दुनिया का नक्शा देखो, अगर इस मुल्क के गरीबों की भूख जाग गई तो हैसियत वालों को हिला कर रख देंगे। हैसियत की बात करते हैं, मेरी हैसियत से ही तुम्हारी पहचान बनी है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। माना कि मैं आपका इकलौता बेटा था, लेकिन आप मेरी किस्मत नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सबकी किस्मत लिखता है वो किस्मत लिखने वाला ऊपर बैठा है। मैं किसी भी कीमत हारने वाला नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लो। पंगा लेने वाले आप हो। किसी न किसी दिन तुम्हें एसी की याद आएगी, तब तुम्हें इस माहौल से नफरत हो जाएगी और इस तेल की बदबू से घबरा कर मुझे ढूंढते हुए तुम मेरे पास आओगे। वो मैं इस जन्म में नहीं होने दूंगा। तुम जोश में अपना होश खो रहे हो, जब तुम होश में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है। नो, पैसों से ज्यादा मानवता होती है, और पैसे इकट्ठे करने से अच्छे एक सूखी रोटी खाकर जियो। मैं दत्तक पुत्र बन गया इसलिए तुम दुखी हो रहे हो, एक न एक दिन मैं ये फैक्ट्री इन कर्मचारियों को दान कर दूंगा।
अरे रे 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 रे, मार्केट में भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक किलो प्याज 14 रुपए, शक्कर का भाव आसमान छूने जा रहा है, तुअर की दाल स्टॉक में नहीं है, गेहूं का आटा पूरा। अरे रे रे रे। बहन रुक्मिणी, ये मिठाई ले लो, ले लो बहन। रुक्मिणी माँ, पसंद नहीं था तो उसी दिन दत्तक पुत्र रोक देना चाहिए था, तब चुप क्यों रही? बेटा खोने का दुख हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि उस खानदान को भी होना चाहिए, इसलिए मैं छुप रही। जो किया उसका क्या अर्थ है बेटा? धर्म। श्री राम ने 5वां अवतार लिया, वो भी धर्म था। श्रवण कुमार जैसे मुनि कुमार को राजा दशरथ ने बिना कारण मार दिया था, तो श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि बेटे का गम तुम्हें भी मिले। उसी श्राप की वजह से दशरथ ने राम को वनवास जाने के लिए कहा। गलती तुम्हारे पिता ने की, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने क्या गलत किया जो उसे सजा दे रहे हो? ये कौन सा नियम है? ये न्याय है। कौशल्या ने उस पल राम जी से नहीं पूछा था, माँ मैंने ये त्याग किया है एक महान आदमी बनने के लिए नहीं। उस घर का श्राप तुम्हारे घर तक ना आए इसलिए मैं उस घर का दत्तक पुत्र बना। अपनी पूरी जायदाद बेच दो तो भी उस घर के लिए तुम औलाद नहीं ला सकोगी माँ। त्याग बलिदान कुर्बानी किताबों में पढ़ा था, आज हकीकत में देख रही हूं। माँ जी, आप अपने चांदी की कटोरी में कुमकुम भूल कर जा रही हैं। सोने जैसा बेटा खो दिया है मैंने, इसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। मुझे माँ कह के ना बुलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहले भी कभी कहीं देखा है ऐसा मत कहना बेटा। क्या खाओगे बोलो? इडली है क्या? प्लेट कितना है? 3 रुपए। तुम पत्ते में दोगे या प्लेट में दोगे? प्लेट में, मामूली प्लेट में नहीं बल्कि स्टील प्लेट में। और हम पानी भी देंगे फ्री में, वो भी स्टील के ग्लास में। यही है चिदंबरम होटल की स्पेशलिटी। तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं मैं? चिदंबरम ने बोल दिया तो बोल दिया। अगर तुम बात पर खड़े होने वाले इंसान हो तो फिर इस पेपर पर दस्तखत करो। ये क्या है? प्रॉमिस नोट। वो क्यों? अगर तूने मेरे खाते ही रेट बढ़ा दिया तो। छी 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 छी, जबान से मुकरना हमारी रीत नहीं। इतना माना तेरा वंश तो दस्तखत करो ना। करना, अरे करना, जल्दी कर। इंसान को इंसान पर भरोसा रखना चाहिए, दस्तखत क्या चीज है? ले, कर दिया दस्तखत। साले, अब मुझे तुम्हारे खानदान पर पूरा भरोसा हुआ है। होना भी चाहिए। इडली जाकर 15 प्लेट लेकर आ। 15 प्लेट इडली? तू अकेला खाएगा क्या? नहीं, नीचे जो गाय है ना उनको खिलाने के लिए। हाँ? साले बेमतलब की बातें करना बंद कर, जाकर ले आ। और सुन, मामूली प्लेट पर लाना नहीं, चम्मच लेकर आना। बेटा क्या वॉश बेसिन कहाँ है बेटा? और उसमें बचा क्या है? बचा सो हाथ पूरा चाट लिया तुमने एकदम बूढ़े जैसा। अपने कपड़े पहुंचो, चलता बन चल। ए पायलटा, ये क्या है? इडली है, टैबलेट है। हाँ, टैबलेट जैसे इडली। ये चंपा कली उधर क्या रख रही है? हाथ के पास नहीं रख सकती क्या? साले पूरा बिल कितना हुआ? पूरे 45 रुपए। व्हाट, 45 रुपए? हाँ। छी छी छी, कितना गंदा उड़ा लाइए। ये लो 50 रुपए और 5 रुपए टिप रख लेना। बहुत पैसे वाला है। चंपा कली जी, ये जरा थैली पकड़ लेना। हाँ ऐसा। ऐसे ग्राहक रोज मिले तो मेरे तो चल पड़े। एक, दो, तीन। अरे रुक तो साले। अरे रे रे, ये प्लेट और ग्लास बोरी में क्यों डाल रहा है?
और क्या रे साले, तूने तो कहा था 3 रुपए प्लेट और मैंने 15 प्लेट मंगवाई है, ऊपर से 50 रुपए भी दिए हैं। प्लेट इडली का है तो इडली के साथ प्लेट नहीं। तू ऐसी बेईमानी करेगा इसलिए मैंने पेपर पर साइन करवाया, अगर ये कागज ले जाकर मैं कोर्ट में दे दूं तो तुझे जेल हो जाएगी और फिर हम दोनों मजे करेंगे। रुक्मानी चल तू उठ जा अंदर, मैं बुनवाती हूँ। जा जा बुआ की मदद कर, अंदर जा। चलो गुरु चलो। क्यों राधा जी, पूरा हाथ डाल रही है क्या? मुझे मदद चाहिए। आपको क्या हुआ, बिल्कुल फिट पार्ट तो हो सोडे की तरह। मेरा भैया शादी करने को कहता है। कर लो, तुम्हें क्या हुआ? अगर वो लड़का अच्छा नहीं हुआ तो? अच्छा आदमी नहीं है तो चोर है क्या, गुंडा है? नहीं नहीं। फिर कौन है? वो पक्का पागल है, तुम्हें कुछ नहीं पता। और मेरा भैया उसे लेकर आ रहा है, तुम्हें ही कुछ करना होगा अब। अरे लड़की की मदद करोगे तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, समझे? आओ चलो मेरे साथ चलो। अरे माता जी, शादी के लिए दुल्हन दिखाएंगे इसलिए लाकर बिठाया खाने वाला पंडित। अरे लड़की है ना, थोड़ा तैयार होने में टाइम तो लगेगा। अच्छा हाँ ऐसा ही है। तो ठीक है, लड़की को झक्कास तैयार करके लाओ। हाँ लाओ लाओ। माँ ये लड़का कौन है जो इस लड़की के कांधे पे हाथ रख के लेकर आ रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन कितने फ्रेंड्स हैं इसके? जितने हैं सबको लेके आएगी, क्यों? ऐसा तो क्या देगा और ये क्या लेगी? अरे तू बैठ जा, चाय पानी पी, उसके बाद देख लेंगे। तेरा नाम क्या है बेटी? क्या बोलना नहीं जानती क्या? अरे बोलना क्यों नहीं आता, लेकिन इस लड़की की पहली शादी है ना, इसलिए शर्मा रही है। शर्माते क्यों हो? क्या गाना गा सकती हो क्या? हाँ, मैं क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे मैं क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ, मुझे बुढ़ा मिल गया, क्या करूँ? अरे वाह, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो यार? वो क्या है ना, जब हम लोग ज्यादा खुश होते हैं ना, ऐसे एक दूसरे को बाहों में ले लेते हैं। बोला तो लड़की डांस कर रहा है, तो वैसे ही दोस्त है। अरे ये क्या, ज्यादा खुशी होगी तो किसी को लेकर तुम अपने बाहों में डांस करोगे क्या? ओम मेरी माँ, अरे नहीं चाहिए मुझे को ऐसा लड़की यार, जो लड़की मेरी आंखों के सामने ऐसा करती हो, बाद में कैसा कैसा करेगी, मेरे को नहीं रखना यार, संबंध मेरे को नहीं करनी यार, शादी मत नहीं यार। बाबा उधर मुंडे इधर कुंडे कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी बहन तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? तुम्हारी बहन किसको पसंद आएगी? अरे शादी मुझसे करेगी और रंग रंग लिया किसी और के साथ मनाएगी। क्या बोला बे साले, मेरी बहन को तू बाजारू औरत बोलता है? तेरी ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। अरे रुको रुको, मेरे पैसे वापस दे दो। पैसे काहे के पैसे बे? अरे कहाँ के पैसे, अपनी बहन की शादी करवाएगा बोल के मुझसे जो पैसे लिए थे वो पैसे? उसके तुम्हें दारू भी गया क्या? नहीं है, सारे पैसे तो खत्म हो गए। अरे मुझे वो सब पता नहीं, मेरे पैसे वापस लौटा दे, मुझे चाहिए। अरे पैसे मांगो, मेरी बहन को तू बाजारू औरत बोलता है? मेरी बहन को बाजारू औरत बोलता है? मेरी बहन को बाजारू औरत बोलता है? मेरी बहन को बाजारू औरत बोलता है? भर लो जी भर के प्यार कर लो, बाहों में मुझको भर लो जी भर के प्यार कर लो। क्या पंडित क्या काजी, जब मियां बीबी राजी, ना मम्मी ना डैडी वो दोनों नहीं डैडी। बिल्लो तू डरियो ना, बिल्लो ना करियो ना, ¡Gracias!
मैं प्रेम का दीवाना यम्मा 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 अंजाम से अनजाना यम्मा 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 कुछ भी अब तो हो जाए बिल्लो हाय रामा हाय रामा हाय रामा हाय रामा धड़क 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 धड़के जिया तेरे लिए मेरी प्रिया थोड़ा दुनिया का सजना ख्याल रखना बाहों में तुझको भर लूं जी भर के प्यार कर लूं नजारे यम्मा 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 समझो जरा इशारे यम्मा 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 दिल से दिल की पप्पी ले यो हाय रामा हाय रामा हाय रामा हाय रामा अब दिन ढले या रात यम्मा 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 होठों पे तेरे बातें यम्मा 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 जो जी चाहे वैसा करियो हाय रामा हाय रामा हाय रामा हाय रामा फिकर विकर फिकर विकर करना नहीं है प्यार दिल में तो डरना नहीं के गाना मलाल करियो अरे बाहों में मुझको भर लो जी भर के प्यार कर लो बाहों में मुझको भर लो जी भर के प्यार कर लो हाँ मम्मी हाँ डैडी वो दोनों है रेडी क्या पंडित क्या काजी जब मियां बीबी राजी सजना तू डरियो ना बाहों में तुझको भर लो भर के प्यार कर लूं हाँ 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 यम्मा यहाँ पर रंगाराव कौन है मैं हूँ दो हफ्ते पहले तुम्हारे बेटे की यहाँ पर हत्या हुई थी बोलते क्यों नहीं हाँ या नहीं हाँ जी कल कोर्ट में हियरिंग है आपको वहाँ रहना होगा केस किसने किया मैंने मैं इनका दत्तक पुत्र हूं कल कोर्ट में आके गवाही दे दूं ओके यस प्रोसीड वो कौन है मेरे पूर्व पिताजी पूर्व एमएलए पूर्व एमपी होते हैं लेकिन पूर्व पिताजी भी होते हैं क्या अगर एक पत्नी को पति छोड़ दे तो उस पत्नी का वो पति क्या होगा अगर एक बाप को एक बेटा छोड़ दे तो वो क्या होगा ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है खून का रिश्ता है कैसे टूट जाएगा एक घर में पैदा हुए इंसान को अगर दूसरे घर में शास्त्र अनुसार अगर स्वीकार कर लिया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे दत्तक और वो दत्तक पुत्र उस घर का क्या होगा दत्तक पुत्र होता है जब आप पूरा कानून जानते हैं तो मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं ये सब ये कोर्ट है यहाँ सीटी नहीं बजाई जाती जब ये हत्या की गई थी तो आप इस शहर में नहीं थे आपके पिताजी यानी पूर्व पिताजी ने यह खून किया है आप ये कैसे साबित करोगे जबकि आप इस शहर में नहीं थे मैं ये सब जानता हूं इसलिए एफआईआर की फाइल बंद होने के बाद भी उसे ओपन कराकर कोर्ट तक लेकर आया हूं मैं श्री चक्रमणि जी ने हत्या करवाई है या नहीं करवाई है यह उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिए यस आपके पति चक्रमणि जी ने भास्कर नाम के कर्मचारी की हत्या करवाई है क्या कोर्ट में पूछे गए प्रश्न का जवाब देना चाहिए बोलिए आपके पति ने भास्कर की हत्या करवाई थी क्या मुझे पता नहीं किसी गुंडे से भास्कर की हत्या करवाने के बारे में अपने पति की मुंह से सुना है क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा
सुबह होने से पहले गांव छोड़कर नहीं। मार डालो कहा था। सुबह होने से पहले हम चले जाएंगे, उनसे विनती करती रही तब भी मेरे बेटे को मार डाला। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। बताइए आपके बेटे भास्कर की हत्या किसने की और कैसे की? अपनी ही जान अपनी आंखों के सामने फड़फड़ाती रही, मेरी ही कोख से जन्मा मेरा इकलौता बेटा आंखों के सामने मारा गया। उसकी मौत देखकर भी हम जिंदा रहे, इसको कैसे बयान करें जज साहब, कैसे बयान करें? नेक्स्ट विटनेस तुम और भास्कर एक दूसरे से प्यार करते थे क्या? हाँ। तुम्हारे पिताजी ने शादी से इनकार किया था क्या? हाँ। तुम्हारे पिताजी ने भास्कर से क्या कहा था ये बताओ। सुबह से पहले अगर शहर छोड़कर नहीं गया तो जान से मार दूंगा। नो, मैंने उसे मारने के लिए नहीं धमकाने के लिए कहा था। योर ऑनर, इस केस में मुद्दा यह है कि वो किराए के गुंडे थे। मेरे क्लाइंट ने उन्हें सिर्फ डराने धमकाने के लिए ही बुक किया था, ये पूरे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए जब तक वो गुंडे ना मिल जाएं और सच्चाई ना बता दें, तब तक कटघरे में खड़ा हुआ वो मेरा क्लाइंट उसी ने हत्या करवाई है ये कोर्ट को पता नहीं। और यही नहीं, ना जाने कितने हजारों लोगों को रोजगार देने वाला, कितनी फैक्ट्रियों का मालिक है मेरा क्लाइंट। अगर ये जेल में रहेंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और फैक्ट्री से जुड़े लोग बेकार हो जाएंगे। इसलिए योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। इस पूरे परिवार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति अगर 1,00,000 का बॉन्ड भरे और इस बात की गारंटी दे कि ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे तो मैं जमानत दे सकता हूं। मैं जमानत दूंगी योर ऑनर। पहले तो अदालत को तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। योर ऑनर, ये मेरी बेटी है। मेरा नाम मधुसूदन है। मजदूर एकता यूनियन का मैनेजर हूं मैं। चाहिए तो मैं दस्तखत कर दूंगा। बेल ग्रांटेड। हेलो, मेरे पजल का जवाब मिल गया तुम्हें? मिल गया। आगे आके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं। दोस्त, तुमने मुझ पर चप्पल चलवाई तब भी मैंने गुस्से को पीकर तुम्हें बेल क्यों दिलवाई जानते हो? बेटा दूर होने का दुख क्या होता है मुझे पता है, और वो दुख अब तुम महसूस कर रहे हो। वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया, कोर्ट में केस कर दिया। ऐसा कहीं होता है क्या बेटा बाप पे केस करता है? इस देश में ऐसी आजादी है? लेकिन वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा खून है, मुझे वो घर में वापस चाहिए। आपका बेटा घर लौट कर जरूर आएगा अंकल। मैं ऐसा करूंगी, वो अकेला ही नहीं बल्कि मुझे साथ लेकर घर आएगा। तो मैं जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा बेटी। एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो मेरे बेटे पर केस किया है उसे विड्रॉ कर लीजिए। मैं अभी केस विड्रॉ करता हूँ। मैं कुछ और चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? MD की कुर्सी पर बैठना चाहती हूँ। आपकी जायदाद के लिए नहीं अंकल, राजा को अपने करीब लाने के लिए। ओके। राजा साहब, ये काम आप क्यों करते हैं? आपको ये काम शोभा नहीं देता है। आप इस कंपनी के मालिक के बेटे हैं, आप अच्छे घर के आदमी। यू कांट हेल्प इट। असल बात क्या है वो बोल। नई मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको बुला रही हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। वेलकम वेलकम। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं ही तुम्हारी नए मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तुम एक इंजीनियर हो, कुली की तरह काम करते अच्छे नहीं लगते हो, इसलिए पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट दिया है मैंने तुम्हें। और तुम जैसे हैंडसम मेरे करीब रहे तो। ए गुरु, क्या हुआ? मेरी पकौड़ियां खाए बगैर कलर सोडा पिए बगैर ही आ गए तुम? ए करो तुम, किससे पूछकर अंदर आए? गेट आउट। गेट आउट क्या? ए बताओ इसे, हम आपके हैं कौन? बोलता हूँ। देखो, बड़े लोगों को कमरे में आने से पहले, दरवाजा खोलकर अंदर आने से पहले पूछना चाहिए अंदर आऊं कि नहीं। ऐसा क्या? हाँ। अभी आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ।
मैं अंदर आ सकती हूँ? आ सकती हो, जा सकती हो। आओ 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 आओ। सॉरी मैडम, आपका पीए बनकर बुलाया मैंने। राधा की पकौड़ी मेरी जान है, लाओ लाओ दो। लो मैं आ गई आ गई आ गई। ए, ये तेरा होटल नहीं है पकौड़ियाँ खिलाने के लिए? हाँ मैडम जी कुछ परेशान हो रही है, चल बाहर चलते और खाते हैं। नहीं बाबू नहीं, हम बाहर जाएंगे ये और परेशान हो जाएंगे। हम यही खाते हैं ना, यही करते हैं। मुंह खोले ना, इसे तो मैं लाओ, लाओ, लाओ। खाओ 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 ना। नॉनसेंस, सोडा भी पियोगे ना? क्यों कैसा लगा? मजा आया ना? मैडम मेरे सारे काम ऐसे ही होंगे, अब भी आप मुझे अपना पीए बना के रखेंगे क्या? आपकी मर्जी। राधा जी, राधा जी। किसी को बेवकूफ बनाना तुम्हें अच्छी तरह आता है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये साले ड्राइवर को क्या हो गया? ये बिल नहीं भरने का कोई नया आइडिया जरूर सोच कर आया होगा, देखता हूँ। अबे ये राक्षस की तरह क्यों हंस रहा है? रात में मुझे एक सपना आया, अगर मैं बताऊंगा तो तू आत्महत्या कर लेगा। नहीं करूंगा, बोलो। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो तू बीच में रोक देगा मेरे साले। अबे नहीं रोकूंगा, बोलना। अगर अचानक से रोक दिया तो? अरे नहीं रोकूंगा ना। अगर एक बार रोकने के लिए कह दिया तो? तुम जो कहोगे वो करूंगा। करोगे ना? करोगे ना? करूंगा। तो फिर तू अपनी बहन की शादी मेरे से करोगे ना? अरे जब इतना कह रहा है तो इसकी बात मान ले। यही बात इसको बोलने के लिए बोलो। हाँ करूंगा, बोलो। तो फिर सुन, रात में तेरे पिताजी तुअरों को चराते हुए आए थे और तेरी माँ कुत्ते के जैसे तुम्हें पैदा करके और तुम्हारी बहन को मक्खन जैसा पैदा करके गांव की गलियों में भीख दे दो, भीख दे दो, भीख मांगती हुई गलियों में नजर आई। छी छी छी, और गोबर के ऊपर आवारा कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पिताजी ने एकदम ऐश्वर्य जैसी लड़की से तुम्हारी शादी करवाई और सुहागरात वाली रात को चार राक्षस तुम्हारी पत्नी को उठा कर ले गए। फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद। हाँ, तूने बीच में रोक दिया ना, तुमको अपनी बहन से मेरी शादी करनी है क्या? क्या है, इनकी शादी तो तय हो गई है, जाकर हार ले क्या? ये लो बेटा, पहना दो इसे। डालो। ए तू बहुत सर भाई, साले हमें आशीर्वाद दे साले। तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? आओ बहन। भैया, हर भाई को अपनी बहन विदा करनी होती है, फिर भी दुख हो रहा है। तू क्यों हो रहा है साले? मेरे बहन की बचपन में ही शादी हो गई थी, लेकिन शादी के दो दिन बाद भगवान लोरी के रूप में आकर इसके पति को उठा कर ले गए। आधे घंटे के भीतर मेरी बहन विधवा, विधवा, एक मामूली विधवा नहीं, जवान विधवा। जीजा जी की मौत के तीन दिन बाद चार गुंडे इसे उठा कर ले गए और जबरन इज्जत लूट ली। इज्जत लूट ली? तुमने जो सपने में देखा था वो वास्तव में हुआ है। मुझे माफ कर दो स्वामी जी। कोई परवाह नहीं चंपा कली, चलो गंगा नहाने चलते हैं। गंगा नहाने? क्यों? वहां जाकर पवित्रता से गंगा में नहाकर मैं और चंपा कली जी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ए, ए, ये कौन है कार में? अरे अच्छा तुम हो मेम साहब। राजा का घर कहाँ है? क्यों बताओ? बात करनी है। मुझे बताओ। तुम्हें क्यों बताओ? क्योंकि राजा मेरे दिल में रहता है इसलिए। अच्छा ऐसा है, पहले तो मेरे दिल में था, तुम्हारे दिल में कब आया? अरे बात सुनो, अगर बोलोगी चार पकौड़ियाँ फ्री में दे दूंगी, कलर सोडा फ्री में दे दूंगी, लेकिन अगर मेरे राजा को पूछोगी ना तो गाल लाल पीला कर दूंगी। हाय राजा। हाय कहती है हाय, अगर इसकी हाय को बाय नहीं बनाया ना तो मैं भी। सुनो फैक्ट्री जा रहे हो ना, मैं भी वही जा रही हूँ, चलो कार से चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। क्या बात है राजा, इंग्लिश में क्या गिट पिट कर रही थी ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी ये? नहीं ऐसा है ना, सब हाँ सब लड़करों को एक साथ मिलके रहना चाहिए ना, मिलके। हाँ। मजदूर लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? देखो परेशान मत करो, मुझे जाने दो, चलो हटो। हेलो एक प्रॉब्लम है,
110 कर्मचारियों की एज ओवर हो गई है, उन्हें निकालने की सोच रही हूँ। शाम को घर आके बात कर लेना। हाँ? ये तुम्हें अपने घर में ऐसे चक्कर लगवाकर फंसाने की सोच रही है? अगर राजा इसे इस हाल में देखेगा तो क्या होगा? कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया, कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। पास आ जरा मेरे पिया, बाह थाम ले, पहले तू बता कैसे दिल को दिल में रख दिया। नहीं मैंने क्या कुछ ही, हो गया है कुछ से साथिया, कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया, कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। जो खाली आजा दोनों मिलके वो कसम, तेरे संग किया है जो वादा वो निभाएंगे। दुख तुझे धड़कन में सजाया मैंने सजन, झुकेगी गर्दन तो नजर हम ही आएंगे। होगा गजब वो नजारा जिसमें झलक तेरी होगी। अब तू ही मेरा सहारा और मैं तेरा हूँ जोगी। जन कैसा के सजाने असर दिल पे, पास आजा जरा मेरे तो मैं बताऊं। तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। क्या तुम्हें पता है साथिया, कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया, कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। और तुझ में खोते चले गए, पाया ना तुझको अगर दिल पे होगा वो सितम। देखोगे जहाँ वहीं हमें झील मिलाएंगे। होगा जब वो नजारा जिसमें झलक तेरी होगी। अब तो ही मेरा सहारा, दिल बन गया तेरा जोगी। जग सोया सोया जागा जब से तूने छुआ है, कैसे भला तुझको यारा दिल में दिखा। तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। ओ तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। क्या तुम्हें पता है साथिया, कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया, कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। पास आ जरा मेरे पिया, बाह थाम ले, पहले तू बता कैसे दिल को दिल में रख दिया। नहीं मैंने क्या कुछ ही, हो गया है खुद से, देखा तो मैंने पाया ये। तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू।
दिल में मैं, मेरे दिल में तू। इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं, जाओ जाकर उसे बात करो। चक्रमणि जी, चक्रमणि जी। लड़ने के लिए आए हो क्या? मैं औरतों से नहीं लड़ता, चक्रमणि जी को बुलाओ। मैं चक्रमणि की एडवाइजर हूँ, मुझसे कहिए। ओहो, तो फैक्ट्री को लॉकआउट करके वर्करों को बेकार कर दो, ऐसा फिजूल एडवाइस तुमने ही दिया था। बिल्कुल, सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? क्या फैक्ट्री लॉस में चल रही है, या फिर वर्करों ने फैक्ट्री में कोई समस्या पैदा की है? कारण क्या है? कारण जानना वर्करों का अधिकार है। चेयरमैन पर खून का इल्जाम लगाया तुमने। इस बात का लॉकआउट से क्या संबंध है? कंपनी डायरेक्टर गिरी की हत्या करने का प्रयास किया है तुमने, और अब कंपनी के दरवाजे खुलवाने आए हो। मैं वर्करों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्कर मेरे भाई है। बाकी सारी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तुम गारंटी लोगे तो भी मैं लॉकआउट वापस नहीं लूंगा। मेरे ऊपर केस चल रहा है, मुझे सजा होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए मेरी कोई औलाद नहीं है। क्यों? फैक्ट्री वर्कर चला लेंगे, आप उन्हें अपना पार्टनर बना लीजिए। मैं ये नहीं मान सकता, मैं ये कभी नहीं मानूंगा। ठीक है, तुम सबके लिए एक कंडीशन पर लॉकआउट खोल दूंगा। मुझे छोड़ के गए मेरे बेटे को मेरे ही सरनेम से मेरे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाना होगा। मुझे छोड़ के गए मेरे बेटे को मेरे ही सरनेम से मेरे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर तुम्हें ये कंडीशन पसंद है तो जाकर फैक्ट्री का लॉकआउट खोल सकते हो, तुम्हारे हक का सवाल है, तुम ही फैसला कर लो। लीलावती, ये तेरे बेटे और मुझ में जो लड़ाई चल रही है ना, वो हमारी आखिरी लड़ाई है, उसे वापस आने दो। मुझसे मेरे बेटे को दूर करने वाले उस रंगा राव के पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। क्या है रे सब कुछ? एक गोली खाने से पहले, एक गोली खाते समय और एक गोली खाने के बाद, एक चाय पीने से पहले, दूसरी चाय पीते समय, तीसरी चाय के बाद, ये रात के खाने से पहले, फिर खाना खाते समय, फिर खाने खाने के बाद। अरे इतनी सारी गोली खाने से अच्छा है ये दो बूंद पी लो, डायरेक्ट स्वर्ग पहुंच जाओगे। कितनी अच्छी सलाह दी है। वो जरा चाकू दे। ये लीजिए साहब। गलत वक्त की पैदाइश। अगर एक बार अंदर घोप दिया तो तू तो डायरेक्ट नरक में जाएगा, सारी दरिद्री से पीछे छूट जाएगा मेरा। खबरदार जो मुझे मारा, मजदूर पर जुर्म किया तो बैंड बज जाएगी। माथा ठंडा रखो। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटी, डॉक्टर साहब आते होंगे। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटी, राजा डॉक्टर को लेके आता ही होगा। ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बच्ची मर जाएगी। ऑपरेशन में 5,000 का खर्चा है। पहले ये दवाइयां लिख रही। हेलो फ्रेंड। मुरली, मुरली देख देख, मुझे अर्जेंट 5,000 रुपए चाहिए। हाँ। तेरे को पैसे चाहिए? किस लिए चाहिए? नहीं, एक बार तू हार गया था तो मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे यार। उस दिन तेरे पास लक्ष्मी थी, उस दिन तूने फेंक दी और मैंने वो उठा ली, मेरे पास सेटल हो गई। ठीक है यार, 5,000 उधर समझ के दे दे। मगर तू चुकाएगा कैसे? डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से जमा करेंगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ माजी, ऑपरेशन करना जरूरी है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, पैसे भी ले आया हूँ, ये इंजेक्शन भी है, अब जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी। कहाँ से आया इतना पैसा? हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और तू शराब पी गया? तू और तेरा बाप ये खेल कब तक खेलोगे? बुआ, आप रुक्मणी को ले आओ। रुक्मणी, आ
लाओ रुक्मिणी को इस तेल लाने दे। हम इसे ले जा रहे हैं। फिकर मत करना। अड्डी बस के एक कर देना इसकी। छोड़ो मत। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए। तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे देकर लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए कहा था। फैक्ट्री के सभी वर्कर तुमसे नफरत करें और ये परिवार भी तुमसे नफरत करे, यही उनका प्लान था। मुझे छोड़ दो। अरे राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, इस बारे में हम बाद में देख लेंगे। अस्पताल में जाकर देखो कि क्या हुआ। राजा बाबू, जल्दी आओ, डॉक्टर हमसे कुछ नहीं बता रहे हैं और ऑपरेशन करने से भी मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। फिर इसने कोई जहरीली दवाई खा ली थी। जहरीली दवाई? हाँ, इसलिए वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्या जहर आत्महत्या करने के लिए पी? नहीं, अपना घर गिराने के लिए। डॉक्टर! यस, शी इज प्रेग्नेंट। क्या है ये सब? तू हमें बदनाम करने पर तुली है? बोल, मत मार, मत मार, पद्मा मत मार। क्या किया तूने? पद्मा मत, पद्मा रुको, मत रोको मुझे। मर कर वो हमें रुला रहा है और ये जिंदा रहकर हमें रुला रही है। नहीं, मर जा, तू भी मर जा, जा मर जा। रुक जाइए, मैं आपको माँ कहकर पुकारता हूँ और ये रुक्मिणी मेरी बहन है। मैं पूछता हूँ, बोलो बहन, बोलो, कौन है इसका कारण? विष्णु, चक्रमणि जी का भांजा। क्यों, तुझे शर्म नहीं आई अपने मुंह पे काली पोत ली? उन लोगों ने मेरे बेटे को पहले मार दिया और अब हमारे खानदान का सर्वनाश करना चाहते हैं, और अब ये? वो 10 सुरों वाला रावण है, 10 सिरों वाला रावणासुर। तू जा यहाँ से। बेटा खोकर हम पहले ही दुखी है, बेटी को हम नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे चले जाने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? बोलो बहन, विष्णु से तुम्हारी पहचान कैसे हुई? इतना सोच क्या रही हो, सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हारा भाई पकड़ लाएगा उसे। बोलो बहन, बताओ मुझे। तुम वो राजा की बहन हो ना? मैं रंगाराव की बेटी हूँ। आओ, तुम्हें कार से छोड़ दूँ। आओ। थैंक्स जी, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ, घबराओ मत। आओ आओ ना। मैं चलती हूँ जी, पहले बहुत देर हो चुकी है, माँ गुस्सा हो जाएगी। तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करती है। माँ बहुत अच्छी है, जब से भैया की मौत हुई है मैंने माँ को कभी खुश नहीं देखा। अगर माँ को खुश देखना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है, जो कहूँगी करोगी? मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगी। तो फिर अपने प्रेमी से शादी कर लो। मैं किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन विष्णु तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन आप नहीं जानती। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। इस प्यार की आफत ने मेरे भाई को मार दिया, मैं इस आफत में पड़ना नहीं चाहती। देखो, तुम्हारे भाई की मौत से तुम्हारे परिवार और चक्रमणि जी के परिवार में दुश्मनी हो गई। अब दोनों परिवार तभी एक हो सकते हैं। जहां तुम्हारा भाई दामाद बनकर जाने वाला था, वहां तुम बहू बनकर जाओगी। हाय राजा। ये मेरे प्यार की निशानी नहीं, शादी की अंगूठी है। शीशा, हाय राजा। अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, अगर तुम हराना चाहती हो तो मुझे हराओ, लेकिन
एक मासूम लड़की की जिंदगी से क्यों खिलवाड़ कर रही हो तुम? मैं जो कर रही हूँ वो खिलवाड़ नहीं, प्यार है। भगो मत, अगर दोबारा ये शब्द कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पहली बार देखकर फैसला किया, एक दिन तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। बीच में राधा भाई आ गए तो बदला लेना चाहा। बदला लेने के लिए रुक्मणी की जिंदगी से खेल रही थी? नहीं, रुक्मणी और विष्णु प्यार करते हैं, अगर इनकी शादी करनी है तो पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, ये शर्त रखना चाहती थी। लेकिन विष्णु को रुक्मणी पसंद नहीं करती तो मैं निराश हो गई। झूठ, उसे विश्वास दिलाकर धोखा दिया उसने, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या यही है तुम्हारा बदला? क्या यही है तुम्हारी जैसी औरत की जीत? अगर ये तुम्हारी जीत है तो भी तुम मेरा प्यार कभी नहीं पा सकती। राजा, राजा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। कौन है वो? मैं। श्रीशा तुमसे बेहद प्यार करती है, लेकिन ये चाहत हमारे किसी काम नहीं आई। रुक्मणी को विष्णु के साथ शादी से पहले गर्भवती करा के, जमाने में रुस्वा करा के, उसका पाप हम तुम्हारे परिवार पर थोपना चाहते थे, ये प्लान था हमारा। राजा, इतने दिनों तक जो भी तुम्हें नुकसान हुआ उन सबके जिम्मेदार। ए, तू चुप कर। ए, शीशा को बोलने दे। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। गेट आउट। तेरे पापा की सजा रुक्मणी को ना मिले, जल्दी घर जाओ, वहाँ निर्मला और विष्णु की सगाई हो रही है, तुम जाकर उसे रोको प्लीज। चल छोड़ो। चल श्याम जी सत्यवती है ना, गंगा भारती होने की वजह से कोटिलिंगम जी है, तुम्हारी बेटी को उनके बेटे को देकर शादी करवाई जा रही है, कन्या को लाइए। साहब जी, छोटे साहब भी आ गए। राजा, मुझे पता है तेरी बहन तेरी जान है, उसकी सगाई पर तू यहाँ ना आई, ये कैसे हो सकता है? उसकी सगाई में तू नहीं आया था तो पता है कितनी दुखी थी वो। साहब ये शादी का पहला कार्ड दे दो। लीलावती, ये किसके बुलाने से यहाँ आया है? धर्म। बहन की शादी उजाड़ना ही धर्म है क्या? अगर नहीं उजाड़ता तो अधर्म होता। अब इस घर की बहन से तुम्हारा क्या संबंध है जो तुम यहाँ आए हो? उस घर की बहन से इसका क्या संबंध है इसे पूछो। तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं। तुम अपना मुंह बंद करो। इसकी करने की सजा मेरी बहन भुगते, ये नहीं हो सकता। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चले जा, चल। रुको, रुको। ये इसे ऐसे ले जा रहे, तुम लोग कुछ बोलते नहीं? ये रुक्मणी के साथ साथ फेरे लिए भी नहीं, उसके साथ सुहागरात मना चुका है कमीना। प्यार का नाटक करके एक गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद की और अब ऊंचे घराने की लड़की से शादी करना चाहता है, क्या ये सही है? ये झूठ है। बोल, ये सच है ना? ये सच है। मरे हुए भास्कर की तरह उसकी बहन ने भी ऊंचे घरानों के लिए अपनी शरीर दी होगी, उसके जैसे मेरी बेटी गिर सकती है क्या? आप मेरे पिता ना होते तो मैं आपको ऐसा जवाब देता कि आज 7 जन्मों तक भी भुला ना पाते उस जवाब को। चल चल। अपने बाप को छोड़कर किसी और का दत्तक पुत्र बनना चरित्र नहीं है, पहले मुझे मारो फिर इसे ले जाना, ये चरित्र है, महान चरित्र है, महान चरित्र है। मारो, मारो मुझे, मारो। आप सामने से हट जाइए। लीलावती, उस दिन एक व्यक्ति की इज्जत गई, आज सारे वंश की जाएगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और अगर नहीं हटे तो बेटी ही नहीं रहेगी। गलत इंसान को दामाद बनाना शायद आपको पसंद होगा, लेकिन मेरी बहन को ऐसा आदमी पसंद नहीं। अच्छा होगा, सामने से हट जाइए, हट जाइए। मैं रुक्मिणी से शादी कर लेता राजा, लेकिन वो बात मामा जी को पता चली तो वो मर जाएंगे, ऐसा कहकर माँ ने मुझे रोका था। सुन लिया ना, अब तो अपनी आंखें खोलो, चल। चिंता मत करो दोस्त, ये शादी कभी नहीं हो सकती, मैं देखता हूँ ये शादी कैसे करवाता है, भरोसा रखो। आज मेरी बहन की शादी है, पूरी बस्ती को सजाओ, ढोलक वालों को बुलाओ, सब चीज तैयार रखो, अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो डंडे भी तैयार रखो उनकी टांगे तोड़ने के लिए। राजा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा भारत महान होगा, ये सब कहेंगे। Thank you.
जा तू बोले दिल दीवाना। मेरा राजना तू बोले दिल दीवाना। आ तेरे ही ख्वाब सजाए तेरे ही धड़कन में सांसे बन कर यादें आए तू ही मेरी तड़पन में। जान मन तू जिंदगी तू बिन तेरे कुछ ना। मेरी जान जा तू बोले दिल दीवाना। मेरा राजना तू बोले दिल दीवाना। कलियों सी कोमल तू गंगा से निर्मल तू जानम। चंदा सा प्यारा तू रंगी नजारा तू दुनिया से न्यारा तू सोना। चपला सी चंचल तू कलियों सी कोमल तू गंगा से निर्मल तू जानम। चंदा सा प्यारा तू रंगी नजारा तू दुनिया से न्यारा तू सोना। मेरी जोहरा दबी है तू इश्क है आशिकी तू सोना। मेरी जोहरा दबी है तू इश्क है आशिकी तू सोना। जब हो बस हो चर्चा तेरा। मेरी जान जा तू बोले दिल दीवाना। मेरा रांझना तू बोले दिल यौवन का उपवन तू चाहत का पहला पहला सावन। सांसों की सांसें तू धड़कन की धड़कन तू नजरों की नजरें तू जानम। चंदन सी पावन तू यौवन का उपवन तू चाहत का पहला पहला सावन। सांसों की सांसें तू धड़कन की धड़कन तू नजरों की नजरें तू जानम। जान सबसे हंसी है तू जान सबसे हंसी है तू फिर मेरा नबी तू सोना। जब हो बस हो चर्चा तेरा। मेरी जान जा तू बोले दिल दीवाना। मेरा रांझना तू बोले दिल दीवाना। आ तेरे ही ख्वाब सजाए ये तेरे ही धड़कन में सांसें बन कर यादें आए तू ही मेरी तड़पन में। जाने मन तू जिंदगी तू बिन तेरे कुछ ना। ये क्या है राधा भाई, टिक्की बांधने वाली हमारी राधा नहीं बल्कि रुक्मणी है, बांधो इसे बांधो। ओम
जल्दी करिए, कन्या को बुलाइए। डैडी चुप कर, ये शादी नहीं होगी इस तरह से। चक्रमणि को बेवकूफ बनाकर विश्वास दिलाकर आया हूँ मैं, और तूने वहाँ विष्णु और नरसिंह को भेज दिया। तो क्या हुआ? धिक्कार है मुझे तेरा बाप होने पर। पहले वो मर्डर केस है रे, वो केस जब तक क्लोज ना हो जाए तब तक उन्हें बाहर नहीं आना था, अंडरग्राउंड रखा था। अगर भेजना होता तो इन गधों को भेजता। हट्टे कट्टे हैं इसलिए भेजा था। हाँ देखते हैं। साहब साहब क्या हुआ रे? राजा वहाँ नरसिंह और अपने आदमियों को मार रहे। बाप रे, तू देख रहा है कितना अच्छा क्लाइमेक्स हो रहा है? ये लोग नहीं थे क्या? वो मर्डर केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। नरसिंह राजा को मिल गया तो नरसिंह को वो ऐसे छोड़ देगा क्या? सीधे ले जाकर पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस क्या करेगी? पुलिस वाले नरसिंह की कमर तोड़ डालेंगे। वो सच बता देंगे, चक्रमणि जी ने भास्कर को सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, लेकिन ये मधुसूदन ने आकर पैसे देकर कहा उसे खत्म कर दो। रुक्मिणी, माँ, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो। मैं तेरे हाथों से आज दूसरी बार धोखा खाया हूँ। मेरा बेटा मेरा न होने के कारण तूने अपने बेटे को जेल से छुड़वा लिया। यस, उस रंगा राव से चप्पल की मार खिलवाने की वजह से मैंने तेरे लिए मौत चुनी, बेबस मौत। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्त। तेरा बेटा नरसिंह को पुलिस स्टेशन ले जाए इससे पहले ये लोग सरेंडर कर देंगे। भास्कर को मरवाने वाले तुम ही हो, ये लोग गवाही देंगे। तब तू जेल में और मैं तेरी चेयरमैन की कुर्सी पर, एक ही साथ। राजा, भास्कर को मरवाने वाला ये मधुसूदन है। मैं जानता हूं पिताजी, चल मैं खुद इसे पुलिस के हवाले करके इसके गुनाह कबूल करवाऊंगा, क्योंकि ये लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भास्कर का असली कातिल यही लोग हैं। जिंदा रहेंगे तो गवाही देंगे ना, मरने के बाद नहीं। Ah!
क्यों रे कायरों की तरह भाग रहा है, बैल की तरह पाला है तुझे मैंने, तू मरकर मेरा ऋण तो चुका दे। ये वाला फेंक दो, फेंक दो। बेटा राजा, बेटा। क्या है हमारे सिर पर कैदी लिखा हुआ है क्या जो हमें पकड़ने लग गए? बेटा तुम्हारे पिता दोषी हैं इसलिए तुम हमारे घर आए थे, अब पता चला वो निर्दोष हैं तो तू क्या? दोषी मैं हूँ रंगाराव, उस दिन अगर मैंने निर्मला और भास्कर का प्यार स्वीकारा होता तो आज इतना नुकसान नहीं होता। मेरा बेटा मुझे छोड़ गया, न्याय ही है। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला है, मैं ये समझता रहा कि उसके पैदा होने से मुझे यह सब कुछ मिला है, लेकिन ये नहीं जान सका कि धर्म व अधर्म के बीच में क्या फर्क है। लेकिन अब जान गया हूं। बेटा राजा, तुम ठीक कहते थे, पैसा इकट्ठा करने से अच्छा है कि तुम इंसानियत की सेवा करो। इसी कारण मैं आज के बाद इस फैक्ट्री को इन कर्मचारियों के हवाले करता हूं और मैं एक एडवाइजर के रूप में इस फैक्ट्री से जुड़ा रहूंगा। नहीं पिताजी, आपने हमें छोटा से बड़ा करने के लिए जो कुछ भी किया है वो हमें आपसे सीखना है। सीखने से पहले एक और काम हमें करना है, रुक्मणी की शादी। बेटा, इन दोनों को मिलाने वाला मैं नहीं हूँ पिताजी, बल्कि निर्मला है। बहन निर्मला, जाओ बहन। आपको भी दो हाथ और मिलाने होंगे, मेरा और मेरे चांद के टुकड़े का। हेलो राधा भाई, तुम दोनों का हाथ मिलाने वाला और कोई नहीं, मैं हूँ। आओ। सोचती हूँ राजा इस वंश का है या उस वंश का? मेरा हस्बैंड दोनों वंशों का है।